लियम सेकेंडरी माइसिलियम और टर्शरी माइसिलियम सो so, प्राइमरी माइसिलियम क्या होता है प्राइमरी माइसिलियम वो माइसिलियम होता है जो कि बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है यानी कि बेसिडियोस्पोर है उसके जर्मिनेशन से जो माइसीलियम बनेगा वो होगा प्राइमरी माइसीलियम इस टाइप के माइसीलियम में हैप्पलॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जैसा कि आप यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी देख सकते हैं ये हमारा बेसीडियोसपोर है बेसीडियोसपोर ने जर्मिनेट किया और उससे एक तरीके का माइसीियम या हाइफ़ी बना है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी हाइफ़ी या प्राइमरी माइसीलियम जिसमें कि हेपलॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा अब बात करते हैं सेकेंडरी माइसीलियम की जो कि क्लैम्प कनेक्शन से रिलेटेड है सो सेकेंडरी माइसीलियम तब बनता है जब दो प्राइमरी माइसीलिया डिफरेंट स्ट्रेन के प्राइमरी माइसीलिया फ्यूज़ करते हैं तो उनसे सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्राइमरी हाइफी है एक स्ट्रेन का और ये दूसरा प्राइमरी हाइफी है दूसरे स्ट्रेन का दोनों हाइफी जब फ्यूज़ करते हैं तो एक तरीके का हाइफी या माइसीलियम बनता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम और इस टाइप के माइसीलियम में होता क्या है दोनों ही स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई आपको एक कंपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाई कैरियोटिक माइसीलियम और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अब बात करते हैं हम टर्शरी माइसीलियम की सेकेंडरी माइसीलियम कभी कभी ऑर्गेनाइज हो जाता है एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में सो उस कंडीशन में वहाँ पर टर्शरी माइसीलियम टर्म यूज़ होता है और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प ये भी ज़्यादातर केसेस में डाइकैरियोटिक ही होती है सो so मेन जो हमें जानना था वो था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शरी माइसीलियम उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सेकेंडरी माइसीलियम जिसका यूज क्लैम्प कनेक्शन में होगा सो so अब हम बात करते हैं क्लैम्प कनेक्शंस की क्लैम्प कनेक्शन ज़्यादातर सेकेंडरी माइसीलियम के टर्मिनल सेल्स में बनते हैं इसीलिए आपको सेकेंडरी माइसीलियम टर्म पहले ही बता दिया ताकि आपको क्लैम्प कनेक्शन समझने में आसानी हो सो so ये कहाँ बनते, है? बनते हैं क्लैम्प कनेक्शन सेकेंडरी माइसीलियम के टर्मिनल सेल्स पर यूजली बनते हैं अब ये बनते कैसे हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है वैन अ बाई न्यूक्लिएट हाइफल टिप इज रेडी टू डिवाइड देन अ शॉर्ट ब्रांच विच इज़ कॉल्ड एज क्लैम्प कनेक्शन और क्लैम्प अराइजेज बिटवीन द टू न्यूक्लियाई होता क्या है यहाँ पर एक हमारा माइसीलियम है डाइकैरियोटिक सेकेंडरी सेकेंड्री माइसीलियम क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है दोनों डिफरेंट स्ट्रेंस के हैं और ये टर्मिनल सेल है सेकेंडरी uh, माइसीलियम की सो so, जब भी सेकेंडरी माइसीलियम में डिवीजन होता है तो एक क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर दो डिवाइडिंग न्यूक्लियाई के बीच में डेवलप होता है मोस्टली टर्मिनल सेल के केस में अब इसमें होता क्या है जब ये लाइक स्ट्रक्चर -like बनेगा तो उसके बाद एक न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस ए माइग्रेट्स इनटू द कलैम्प वेयर एज अदर रिमेन्स विद इन द सेल अब यहाँ पर होगा क्या एक न्यूक्लियस जो है जैसे कि ये ए है ये न्यूक्लियाई इस क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा और जो दूसरा वाला न्यूक्लियाई है वो इसी सेल में रहेगा ओके okay, सो so यहाँ पर ये जो न्यूक्लियाई था ये क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर में आ गया और जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर सेल में ही प्रेजेंट है अब क्या होता है देयर आफ्टर बोथ द न्यूक्लियाई डिवाइड सिमल्टानियसली और इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट डिवीजन अब क्या होगा ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं दोनों ही न्यूक्लियाई एक साथ डिवाइड करते हैं और इस टाइप के फिनोमेना को हम कहते हैं कॉन्जुगेट डिवीज़न इसके बाद वन डिवीजन बिकम्स ओब्लिकली ओरिएंटेड सो वन डॉटर न्यूक्लियाई ए फॉर्म्स इन द क्लैम्प एंड अदर ए डैश फॉर्म्स इन द डिवाइडिंग सेल अब यहाँ पर ये जो रेड वाला न्यूक्लियाई है इसका जो डिवीजन है वो ऑब्लिकली ओरिएंटेड है जिसकी वजह से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ क्लैम्प सेल में मौजूद होगा और दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ इस सेल में आ जाएगा सो जो डॉटर न्यूक्लियाई क्लैम्प सेल में मौजूद है उसको हमने डेजिग्नेट किया है ए से ये ए जो डॉटर न्यूक्लिया है ये क्लैम सेल में है और जो दूसरा डॉटर न्यूक्लिया है ए डैश वो यहाँ पर सेल में प्रेजेंट है अब द डिवीजन ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियस इज ओरिएंटेड अलोंग द एक्सेस ऑफ द डिवाइडिंग सेल सो दैट वन न्यूक्लियाई बी फॉर्म्स नियर वन एंड ऑफ द सेल एंड द अदर न्यूक्लियाई बी डैश अप्रोचेज़ टू द न्यूक्लियस ए अब क्या हुआ ये वाला जो न्यूक्लियस था इसका जो डिवीजन है वो अलोंग द डिवाइडिंग सेल इसकी एक्सेस जा रही है इसलिए ये जो इसका डिवीजन होगा और जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें से एक जो सेल है वो बी है जो कि यहाँ पर मौजूद है और जो दूसरा सेल है वो क्लोजली इस वाले न्यूक्लियाई यानी कि ए डैश की तरफ अप्रोच करेगा जो कि है बी डैश ठीक है इसके बाद देअर आफ्टर टू सेप्टा आर फॉर्म्ड वन सेप्टा सेपरेट द क्लैम्प एंड द अदर इज फॉर्म बिटवीन द डिवाइडिंग न्यूक्लियर अब क्या होगा दो सेप्टा बनेंगे एक सेप्टा जो है वो क्लैम्प सेल को सील कर देगा और दूसरा सेप्टा जस्ट क्लोज टू यहाँ पर बनेगा क्लोज टू द कलैम्प सेल और कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी अब इन द मीन टाइम द क्लैंप हैज़ बेंट ओवर इसी वक्त ये जो क्लैम्प सेल है ये मूव करेगा आगे की तरफ ये बेंट हो जाएगा और बेंड होने के बाद क्या होगा ये जैसे ही ये क्लैंप सेल इस पॉइंट पे टच करेगा यहाँ पर वॉल डिजॉल्व हो जाएगी और ये वाला जो न्यूक्लियाई है ये न्यूक्लियाई इस वाले पोर्शन में आ जाएगा सो इन द मीन टाइम द क्लैम्प हैज बेंट ओवर एंड फ्यूज विद द सब टर्मिनल सेल फॉर्मिंग अ ब्रिज थ्रू विच ए न्यूक्लियाई पासिस टू द अदर एंड एंड अप्रोचेस टू द बी न्यूक्लियाई अब यहाँ पर होगा क्या ये जो हमारा सेल है ये टर्मिनल सेल है सेप्टा फॉर्मेशन के बाद ये जो सेल हुआ ये टर्मिनल सेल हुआ और ये जो सेल है ये सब टर्मिनल सेल है अब यहां पर जो क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर है ये बेंड हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये सब टर्मिनल सेल से आकर फ्यूज कर जाता है जिसकी वजह से यहां पर जो न्यूक्लिया प्रेजेंट था ए वो यहां पर सब टर्मिनल सेल वाले रीजन में आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं सो so, इस तरीके से डाई कैरियोटिक माइसीलियम का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है और जो डिवीजन हुआ है न्यूक्लियाई का वो यहाँ पर मेंटेन रहा डाइकैरियोटिक सिचुएशन यहाँ पर मेंटेन है सो so, अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें इस फिनोमिना की सो दिस मैकेनिज्म इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ डाइकैरियोटिक कंडीशन इन ईच न्यू सेल ऑफ द सेकेंडरी माइसीलियम सो यहाँ पर सेकेंडरी माइसीलियम डिवाइड हो रहा है सेकेंडरी माइसीलियम के डिवाइड होने की प्रोसेस में ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है वो मेनटेन रहे इसलिए क्लैम्प कनेक्शन होता है बेसीडियो माइसीटीज़ के मेंबर में सो so, अब हम क्विकली एक बार पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर जो पोर्शन है वो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम है सेकेंडरी माइसीलियम है सेकेंडरी माइसीलियम हमने डिस्कस किया था कि ऐसा माइसीलियम जिसमें कि डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो डिफरेंट स्ट्रेन्स के सो so, ये हमारा डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम है ये जो पोर्शन है वो है टर्मिनल सेल अब होता क्या है इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन या फिर क्लैंप एक न्यूक्लियाई इस क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर में माइग्रेट कर जाता है उसके बाद दोनों न्यूक्लियाई एक साथ डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट डिवीजन इसके बाद ये वाला जो डिवीजन है ये ऑब्लिक होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर डिवाइडिंग सेल में है और दूसरा न्यूक्लिया इसका क्लैंप में मौजूद है जबकि यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस है अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिवाइडिंग सेल इसलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो एक न्यूक्लियाई इधर तरफ मूव करेगा और दूसरा न्यूक्लियाई उस साइड है अब यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है एक सेप्टा क्लैम्प सेल को सील करता है और दूसरा सेप्टा जस्ट क्लोज टू द क्लैम्प सेल के पास ही दूसरे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है अब इसी टाइम ये जो क्लैम्प सेल है ये बेंड करेगा और बेंड होने के बाद ये जैसे ही सब टर्मिनल सेल से फ्यूज़ करेगा ये जो न्यूक्लियाई यहाँ पर जो क्लैम्प सेल में मौजूद है ये यहाँ पर आ जाएगी और इस तरीके से डाइकरियोटिक कंडीशन यहाँ पर मेंटेन हो जाती है सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच